गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एज यू नो वी हैव ऑलरेडी स्टार्ट द चैप्टर फोर पार्ट्स एंड वन नाउ कंटिन्यू द चैप्टर हेयर सिक्स पार्ट्स ऑफ ए रेक्टेंगल यहाँ आपको सिक्स पार्ट्स करने हैं किसी रेक्टेंगल के रानी हैज़ डिवाइडेड दिस ग्रीन रेक्टेंगल इंटू सिक्स इक्वल पार्ट्स इस तरह से डिवाइड किया है रानी ने देखो सिक्स इक्वल पार्ट्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स नाउ यू डिवाइड ईच ऑफ दिस रेक्टेंगल्स इन टू सिक्स इक्वल पार्ट्स यूज आर डिफरेंट वे फॉर ईच ऑफ थ्री रेक्टेंगल्स यहाँ आपको थ्री रेक्टेंगल्स दे रखे हैं अब इन थ्री रेक्टेंगल्स को आपको सिक्स पार्ट्स में डिवाइड करना है लेकिन डिफरेंट वे में जैसे मैंने यहाँ डिवाइड किया हुआ है ये ब्लू रेक्टेंगल है सिक्स पार्ट्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इस वाले रेक्टेंगल को भी सिक्स पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है एक्स वाले रेक्टेंगल तो डिफरेंट वे है आप और भी वे यूज़ कर सकते हो हाउ विल यू चेक दैट ईच पार्ट इज़ रियली वन सिक्स ऑफ द रेक्टेंगल आप कैसे चेक करोगे या तो आप क्या कर सकते हो बाई मेजरिंग ईच पार्ट विद द हेल्प ऑफ स्केल स्केल के हेल्प से हम ईच पार्ट को हम अगर क्या है मेज़र करेंगे तो हम पाएंगे कि हर एक पार्ट जो होगा वो क्या होगा इक्वल होगा द ग्रीन रेक्टेंगल इज बिगर देन ब्लू वन देखने में भी लगा हुआ है कि जो ग्रीन रेक्टेंगल है ब्लू रेक्टेंगल से क्या है ज़्यादा और आप क्या है स्केल से मेजर भी कर सकते हो तो आपको यू फाइंड जो ग्रीन रेक्टेंगल है वो क्या होगा ग्रेटर देन ब्लू रेक्टेंगल कैन वी से दैट वन सिक्स ऑफ ग्रीन रेक्टेंगल इज़ बिगर देन वन सिक्स ऑफ ब्लू रेक्टेंगल क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर इसका वन सिक्स पार्ट अगर हम ये वाला पार्ट देखें ये वाला वन सिक्स पार्ट देखें तो ये इसके वन सिक्स पार्ट से क्या होगा ज़्यादा होगा बिल्कुल ज़्यादा होगा यस यस हाउ यहाँ से yes, जो वन सिक्स है ये वाला हिस्सा है वन सिक्स पार्ट है देखो सिक्स पार्ट हैं इसके सिक्स में से वन पार्ट ले रहे हैं तो ये जो होगा ये ये वाला पार्ट जो होगा इसको हम राइट कर सकते हैं वन सिक्स पार्ट ग्रीन रेक्टेंगल का मेज़र करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल तो ये क्या होगा ज़्यादा होगा वन सिक्स पार्ट से किसके ब्लू से क्लियर नाउ हेयर स्टोरी ग्रीडी गेट कीपर्स बीरबल का नाम तो सुना होगा सभी बच्चों ने जो बीरबल थे वो क्या है किंग अकबर के क्या थे मनिस्टर थे और बहुत ज़्यादा चालाक थे ठीक है तो यहाँ पे ग्रीडी गेट्स कीपर यहाँ पर एक स्टोरी दी गई हुई है जब बीरबल यंग बॉय था तो वो एक गांव में रह रहा था ही वॉज वेरी क्लेवर बहुत ही चलाक था एंड कुड राइट पोइट्री और कविताएं लिखता था ही थाट ही वुड ट्राई हिज लक इन द किंग कोर्ट उसने सोचा कि क्यों ना वो अपना लक किंग के कोर्ट में अजमाए सो ही टुक सम his पोइम्स एंड सेट ऑफ द for द सिटी इसलिए उसने कुछ अपनी पोइम्स लेके वो उसके कोर्ट में पहुँचा वैन जाना चाह रहा था वैन ही रीच द आउटर गेट ऑफ द प्ले पैलेस जब वो महल के बाहर वाले गेट पर पहुँचा ही वाज स्टॉप बाई ए गेट कीपर गेट कीपर के द्वारा स्टॉप कर दिया गया था और बोला गेट uh, कीपर क्या बोला स्टॉप there, वेयर आर यू गोइंग रुको कहाँ जा रहे हो साउटेड द गेट कीपर गेट कीपर चिल्लाया तो बीरबल ने जवाब दिया आम पोइट आई वॉन्ट टू सी किंग अकबर मैं किंग अकबर के पास जाना चाह रहा हूँ सो माई पोइम्स टू हिम ताकि मैं अपने उनको पोएम्स को दिखा सकूँ ओ यू आर ए पोइट कौन बोल रहा है गेट कीपर कि आप पोईट आप पोइट हो द किंग इज़ काइंड राजा बहुत दयालु है ही विल श्योरली गिव यू अ प्राइज वो ज़रूर आपको क्या देगा प्राइस ये कौन बोल रहा है गेट कीपर आई विल लेट यू इन इफ़ यू गिव मी वन टेंथ ऑफ योर प्राइस मैं आपको तभी अंदर जाने दूंगा जो अगर आपका जो भी प्राइस मिलेगा उसका एक बटे दस वहाँ हिस्सा अगर आप मुझे दोगे नाउ यंग बीरबल एग्री सिंस ही हैड नो अदर वे अब उसके पास अंदर जाने का कोई और रास्ता नहीं था इसलिए उसको एग्री होना पड़ा वन ही वन टन गेट कीपर कैलकुलेटेड जब वो अंदर पहुँचा तो गेट कीपर ने कैलकुलेट करना स्टार्ट किया इफ़ ही गेट्स हंड्रेड गोल्ड कॉइंस अगर उसने उसके पास हंड्रेड गोल्ड कॉइंस उसको मिले तो गेट कीपर को कितने मिलेंगे गेट कीपर को कितना मिलना था वन टेंथ मिलना था ना वन टेंथ ऑफ हंड्रेड निकालेंगे तो कैसे करेंगे वन बाई टेन इंटू ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन बाय हंड्रेड वन जीरो से वन ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा तो उसको कितना मिलेंगे टेन कॉइंस कितने मिल जाएंगे उसको गेट कीपर को टेन कॉइंस द पॉइंट केम टू सेकेंड गेट कीपर अब पॉइंट जो है पॉइंट बीरबल सेकेंड गेट कीपर के पास गया दिस गेट कीपर ऑल्सो सैड आई विल लेट यू इन इफ़ यू गिव मी टू फिफ्थ ऑफ योर प्राइस उसने गेट कीपर ने बोला कि मैं आपको अंदर जाने दूंगा लेकिन शर्त एक ही है अगर आपको जो भी प्राइस मिले उसका टू फिफ्थ टू फिफ्थ हम कैसे राइट करेंगे टू डिवाइडेड बाय फिफ्थ इतना हिस्सा आप मुझे दोगे तो पॉइंट एग्री हो गया तो टू फिफ्थ ऑफ द गेट कीपर हैप्पीली कैलकुलेटेड अब गेट कीपर सेकेंड गेट कीपर भी खुशी से कैलकुलेट करने लगा द पॉइंट विल गेट एट लीस्ट हंड्रेड गोल्ड कॉइन की जो पॉइंट है उसको कम से कम हंड्रेड गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे सो आई विल गेट तो उसको कितना मिलेंगे टू फिफ्थ ऑफ हंड्रेड टू फिफ्थ ऑफ हंड्रेड तो कितना हो जाएगा उसको निकालेंगे अगर हम यहाँ पर टू बाई फाइव ऑफ की जगह मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड फाइव से करेंगे फाइव टू ज़ा टेन यानी कि ज़ीरो ट्वेंटी ट्वेंटी टू जा फोर्टी तो उसको कितना कॉइन मिल जाएंगे फोर्टी कॉइन मिलेंगे कितने मिलेंगे फोर्टी कॉइन क्लियर तो ही विल गेट फोर्टी गोल्ड कॉइंस और उसको फर्स्ट गेट कीपर को कितना मिल रहा था टेन गोल्ड कॉइंस क्लियर द पॉइंट रीच द लास्ट गेट अब पॉइंट क्या है लास्ट गेट पे पहुंच गया द गेट कीपर सेड आई विल अलाउ यू टू सी द किंग ओनली इफ यू गिव मी हाफ ऑफ द प्राइस। कि मैं राजा के पास तो मैं तभी जाने दूंगा जब मुझे आप कितना दोगे हाफ जितना भी प्राइस होगा उसका हाफ़ दोगे द पॉइंट हैड नो अदर वे अब राजा के पा, उसके पास पोइट के पास बीरबल के पास और कोई सोलू रास्ता नहीं था तो वो राजा ही हो गया और वेंट इन साइड गया द गेट कीपर थाट जो लास्ट गेट कीपर था उसने सोचा टुडे इज ग्रेट डे आज बहुत अच्छा दिन है इफ़ ही गेट्स हंड्रेड गोल्ड कॉइंस आई विल गेट अगर उसके पास हंड्रेड गोल्ड कॉइन है तो हाफ लेना है ना हाफ और किसका हंड्रेड का तो टू वन जै टू टू फाइव जैर टेन न जाने की ज़ीरो फिफ्टी यानी उसको कितना मिलेगा फिफ्टी गोल्ड काइंस बट इफ़ ही गेट्स थाउजेंड कॉइंस अगर उसको थाउजेंड कॉइंस मिलते हैं तो उसको कितना मिलेगा भाई थाउजेंड का हाफ कितना होता है फाइव हंड्रेड अगर हम थाउजेंड का हाफ निकालेंगे टू फाइव ज टेन जीरो ज़ीरो तो उसको कितने मिलेंगे फाइव हंड्रेड क्वंस द किंग वॉज़ वेरी हैप्पी विद द पॉइंट्स एंड सैड यूर योर वर्क इज़ वेरी गुड राजा बहुत खुश था उस पोई उसकी पोइट की पोइम्स से तो उसने कहा कि ये तो बहुत योर वर्क इज़ वेरी गुड आपका काम बहुत अच्छा है यू कैन आस्क एनी थिंग एज योर प्राइस तो आप मुझसे कुछ भी मांग सकते हो प्राइस के रूप में माई लॉर्ड आई वॉन्ट हंड्रेड स्लैब्स उसने बीरबल ने कहा मुझे सौ स्लैब्स चाहिए स्लैब्स मतलब चाटे वट हंड्रेड स्लैब्स क्या हंड्रेड स्लैब्स तो यस हंड्रेड स्लैब्स द किंग वाज सॉक राजा को बहुत हैरानी हुई लोग वाक तो क्या है कि लोग तो कॉइंस मांगते हैं लेकिन इसने तो क्या लिखे सौ चाटे मांगे व्हाट हैपन आफ्टर दैट इसके बाद क्या हुआ कंप्लीट द स्टोरी इसके बाद क्या हुआ होगा बच्चों क्या है उसको सौ मिले अगर उसने को सौ चाटे मिले तो फर्स्ट गे, गेट कीपर को कितने चाटे मिलेंगे दस टेन सेकेंड गेट कीपर को कितने चाटे मिलेंगे फोर्टी और थर्ड गेट कीपर को आपको फिफ्टी चाटे लगाएंगे ठीक है समझ में आया इसके बाद है पैटर्न इन पार्ट्स मेक डिफरेंट पैटर्न बाय कलरिंग सम स्क्वेयर्स इन द ग्रिड बी आपको ग्रिड बी सी डी इन में दे रखा है और उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर ग्रिड एट दे रखा है आपको इस तरह का उन्होंने पैटर्न बनाया हुआ है और उसने ब्लू कलर किया हुआ है कितने स्क्वेयर्स में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट ब्लू स्क्वेयर्स हैं एंड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट वाइट स्क्वेयर्स हैं तो एट बाय अब पार्ट्स देखेंगे कि सिक्स टोटल स्क्र्स कितने हैं सिक्सटीन और सिक्सटीन में से एट क्या है ब्लू तो हम एट बायसटीन राइट करेंगे ऐसे वाइट स्क्वेयर्स कितने हैं एट तो उसको भी हम सिक्सटीन में से कितने स्क्वायर्स वाइट हैं एट तो एट बाय सिक्सटीन ये इसको हमने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया नाउ व्हाट पार्ट ऑफ द ग्रिड डिड यू कलर एंड वट पार्ट ऑफ द ग्रिड रिमाइंड रिमेंड वाइट राइट यहाँ आपको राइट कर दिया है कि कौन से पार्ट को आपने ब्लू कलर किया हुआ है और कौन से को वाइट किया हुआ अब यहाँ ग्रिड बी में आपको इसको डिफरेंट वे में अब जैसे मैंने यहाँ आपको निशान लगाया हुआ है इनको इन स्क्वेयर्स को अगर हम क्या कर दें कोई भी कलर कर दो मान लो मैंने इसमें कर दिया रेड तो रेड पार्ट आपका कितना होगा वन टू थ्री स्क्वेयर्स काउंट करो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सिक्सटीन स्क्वायर्स हैं इसके अंदर और सिक्सटीन में से मैंने कितने स्क्वायर्स को रेड किया है वन टू थ्री फोर तो फोर बाय सिक्सटीन सिक्सटीन स्क्वायर्स में से फोर स्क्वायर्स को मैंने क्या कर दिया रेड कर दिया है बाकी कितने स्क्वायर्स बच गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व ट्वेल्व स्क्वेयर जो हैं इनको हम वाइट रखेंगे तो ट्वेल्व बाय सिक्सटीन जो होगा वो वाइट स्क्येयर होगा क्लियर ऐसे ही इस वाले उसमें भी मैंने क्या किया है यहाँ पर देखो इन वाले पोर्शंस को मैंने मान लो ग्रीन कलर कर दिया है यहाँ पर आप ग्रीन कलर कर सकते हो ग्रीन कलर मैंने यूज़ किया है तो कितना टोटल कितने हैं सिक्सटीन और सिक्सटीन में से मैंने कितना को ग्रीन किया है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट स्क्वेयर्स को मैंने ग्रीन कर दिया है तो एट बाई सिक्सटीन तो क्या हो गए ग्रीन और वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और एट स्क्वेयर्स क्या हैं आपके वाइट क्लियर अब ऐसे ही हम यहाँ पर करेंगे आप कोई भी वेद अपना सकते हो यहाँ से अब यहाँ से देखो कितने स्क्वायर्स को मान लो मैंने इनमें जो कलर किया है वो पिंक की है तो देखो कितने स्क्वायर्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो सिक्सटीन स्क्वायर्स में से सेवन स्क्वेयर्स को मैंने क्या कर दिया पिंक कर दिया बाकी कितने बच गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन स्क्वेयर जो है वो कैसे हैं वाइट क्लियर आप क्वेश्चन नंबर टू लुक एट ग्रिड ए अगेन ग्रिड ए को देखो इज ग्रिड इज़ द ग्रिड कलर्ड अब आपको फोर ऑप्शंस दे रखे हैं मार्क रोंग आंसर मार्क क्रॉस ऑन द रोंग आंसर रोंग आंसर पे यहाँ पे आपको चार आंसर दे रखे हैं एक तरह से मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन है तो उसमें से जो गल रॉन्ग है उसको आपको हटाना है अब देखो एट बाई सिक्सटीन क्या है ब्लू एट बाई सिक्सटीन इसको एट वन जाट एट टू जा सिक्सटीन तो यानी हाफ ब्ल्यू हो गया और यहाँ पे भी एट बाई सिक्सटीन है तो हाफ़ आपका वाइट हो गया हाफ ब्ल्यू हाफ वाइट तो ये भी राइट है अब सेकंड है आपका टू बाई फोर ब्लू टू बाई फोर वाइट अब जो एट बाई सिक्सटीन है इसको हम कैसे राइट फोर टू जा एट फोर फोर जा सिक्सटीन तो टू बाई फोर ब्लू हो गया और टू बाई फोर वाइट हो गया तो ये भी आपका आंसर क्या है राइट अब यहाँ से देखो पहले डी पार्ट देखते हैं तो एट बाय सिक्सटीन एट बाय सिक्सटीन एट बाय सिक्सटीन को हम राइट कर सकते हैं टू फोर जा एट टू एट जा सिक्सटीन फोर बाय एट तो ये भी राइट है तो रॉन्ग हमारा कौन सा आंसर है सी वाला क्लियर ड्रॉ अ ग्रेड ऑफ सिक्सटीन स्क्वायर्स एंड मेक पैटर्न विद टू बाई एट फ्रेड अब हमने यहाँ पे एक सिक्सटीन स्क्वायर्स की ग्रीड ड्रॉ की हुई है तो टू बाई एट रेड यानी टू बाई एट ऑफ सिक्सटीन ये हमें क्या करना है रेड करना है तो हमें कितने स्क्वायर्स जो हैं रेड करने पड़ेंगे तो टू बाई एट बाई मल्टीप्लाई बाई सिक्सटीन एट वन जा एट एट टू जा सिक्सटीन टू टू ज़ा फोर आपको फोर स्क्वायर जो हैं वो क्या करने पड़ेंगे रेड करने पड़ेंगे ठीक वन बाई टू येल्लो वन बाई टू ऑफ सिक्सटीन ये हम थर्ड का ए पार्ट कर रहे हैं थर्ड का ए पार्ट हाफ क्या है येलो यानी सिक्सटीन का हाफ क्या होगा टू वन जा टू टू एट जा सिक्सटीन तो एट हमने क्या कर लिए रेड कर लिए सॉरी येलो एट हमने क्या कर लिया येलो किया वन बाई फोर ग्रीन वन बाई फोर सिक्सटीन का निकालेंगे फोर वन जा फोर 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 जा सिक्सटीन फोर हमारे क्या हो गए ग्रीन हो गए क्लियर तो आप फोर स्क्वेयर्स इस ग्रिड के अंदर रेड करोगे एट स्क्वेयर्स येलो करोगे और फोर स्क्वेयर्स ग्रीन करोगे ओके नाउ सेकेंड बी फिर से एक ग्रिड बनाएंगे सिक्सटीन इस तरह से वापस एक ग्रिड बनाएंगे अब थ्री बाई सिक्सटीन आपको ब्लू करना है थ्री बाई सिक्सटीन बी पार्ट कर रहे हैं हम थ्री बाई सिक्सटीन ऑफ सिक्सटीन क्या होगा सिक्सटीन से सिक्सटीन कैंसिल हो जाएगा आपको थ्री स्क्वेयर्स आपको क्या करने हैं ब्लू की करने फाइव बाई सिक्सटीन रेड फाइव बाई सिक्सटीन इंटू सिक्सटीन सिक्सटीन से सिक्सटीन कैंसिल फाइव आपको क्या करना है रेड करना है एंड वन बाई टू येल्लो वन बाई टू निकालोगे वन बाई टू ऑफ सिक्सटीन कितना हो जाएगा हाफ कितना होता है सिक्सटीन का एट तो एट हम क्या करेंगे येलो क्लियर बच्चों नाव रामोज वेजिटेबल फील्ड यहाँ रामोज की वेजिटेबल फील्ड है और उसने इस फील्ड को सिक्स नाइन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है वाट वेजिटेबल डज़ ही ग्रो कौन कौन सी वेजिटेबल ग्रो की हुई है तो बताओ कौन सी हैं ये क्या है चिल्ली पटैटोस ब्रिंजल टमेटोज स्पाइनच इसने कितनी सब्जियाँ उगाई हुई हैं वन टू थ्री फोर फाइव फाइव सब्ज़ियाँ उगाई हुई है इन विच वे विच वेजिटेबल ग्रो इन द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द फील्ड एंड वट पार्ट कौन सी वेजिटेबल सबसे ज़्यादा उगाई हुई है देखो कितने हैं कौन सी सबसे ज़्यादा है टमेटोज तो कौन सी वेजिटेबल सबसे ज़्यादा उगाई है टमेटोज ठीक है और कितना पार्ट है देखो टमेटो के कितने हैं वन टू थ्री थ्री पार्ट उगाए हैं और कितने में से नाइन में से तो थ्री वन जी थ्री थ्री जो नाइन तो वन बाई थ्री पार्ट उसने क्या उगाया हुआ है टमेटोज ऑन वट पार्ट ऑफ द फील्ड डज ही ग्रो पटेटोज पोटैटोज कितने पार्ट पे उगाए हुए हैं देखो वन टू तो नाइन में से टू तो टू बाई नाइन पार्ट पर उसने क्या उगाया हुआ है पटेटोज वट पार्ट ऑफ द फील्ड इज यूज टू ग्रो स्पाइनज एंड वट पार्ट इज यूज फॉर प्रिंसल स्पाइनस कितने पार्ट पर है स्पाइनस सिर्फ एक ही है वन बाय थ्री पार्ट कह सकते हैं हम क्लियर वन सॉरी वन बाय नाइन वन बाय थ्री नहीं होगा वन बाय नाइन पार्ट पे उसने क्या है स्पाइनस एंड ब्रिंजल ब्रिंजल कितना है टू है टू पार्ट्स पे है तो टू बाय नाइन पार्ट पे उसने क्या हुआ है हुआ है ब्रिंजल नाउ यू राइट सम क्वेश्चन बाय लुकिंग एट दिस पिक्चर और भी क्वेश्चन है कि एट वट पार्ट या वट पार्ट ऑफ द फील्ड इज यूज टू ग्रो चिल्लीज एंड यू कैन मेक मैनी मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस पिक्चर नाउ रामू वॉन्टेड टू गिव दिस वेजिटेबल्स टू हिज फ्रेंड रामू अपने uh, ये वेजिटेबल्स अपने फ्रेंड्स को देना चाह रहा है ही गेव अबू बेकर वन फिफ्थ ऑफ दिस टमेटोज एंड वन थर्ड ऑफ पोटैटो ये जो सब्जियाँ हैं ये टमेटोज हैं या पोटैटोस हैं है, तो वो अपने फ्रेंड्स को देना चाह रहा है तो उसने अबु बेकर को वन फिफ्थ ऑफ दिस टमेटो टमाटो का वन फिफ्थ दिया एंड वन थर्ड ऑफ पटेटोज और पटेटो का वन थर्ड टमाटोज काउंट करो कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी तो टोटल टमेटोज कितने हैं टोटल जो टमेटोज हैं वो कितने हैं ट्वेंटी ऐसे पटेटोज काउंट करो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन टोटल जो पटेटोज़ हैं वो आपके पास कितने हैं टोटल पटेटोज़ एटीन अब अबू अबू अबूबेकर बेकर को वो देना चाह रहा है कितना वन फिफ्थ ऑफ टमेटोज़ वन फिफ्थ ऑफ टमेटोज़ टमेटोज़ हैं कितने ट्वेंटी फ़ाइव वन जो फाइव फाइव फोर जो ट्वेंटी यानी फोर टमेटोस उसने किसको दिया अबू बेकर को ठीक है और पटेटोज कितना है वन थर्ड पटेटोज कितना है वन थर्ड ऑफ कितने हैं टोटल एटीन एटीन का निकालोगे थ्री वन जी थ्री, थ्री सिक्स जा एटीन तो सिक्स पटैटोज उसने बेकर को दिए श्रीजा गॉड टू फिफ्थ ऑफ टमेटोज एंड थ्री सिक्स ऑफ पटेटोज श्रीजा को अब ये तो अबू बेकर के थे अब श्रीजा को उसने कितना दिया श्रीजा को दिया जो टमेटोज़ दिए कितना दिया है वही टू बाय फिफ्थ ऑफ ट्वेंटी फाइव वन ज़ा फाइव फाइव फोर ज़ा ट्वेंटी फोर टू जा एट एट टमेटोज दिए और पटेटोज़ कितने दिए थ्री सिक्स यानी थ्री मल्टीप्लाई बाय कितने का टोटल पटेटोज़ कितने एटीन सिक्स वन जै सिक्स सिक्स थ्री ज़ा एटीन तो नाइन उसने क्या दिया पटेटोज़ क्लियर नैंसी गॉट द रेस्ट ऑफ दिस नैंसी को बाकी जो बचे हुए हैं नैन्सी को मिले हैं सर्कल अबूबेकर शेयर इन द ब्ल्यू एंड यहाँ आप कलर कर सकते हो और राउंड भी कर सकते हो जैसे अबूवेकर को उसने फोर टमाटोज़ दिए थे तो यहाँ आपने फ़ोर टमाटोज़ पे राउंड कर लिया और कितने पटेटोज़ दिए थे सिक्स पटेटोज़ दिए थे तो यहाँ पर आपने सिक्स पटेटोज बेकर के ऐसे ही आप श्रेजा के कर सकते हो अब बाकी बचे हुए उसने क्या है नैन्सी को दिए अब टमाटोज़ में देखो कितने बचे टोटल टमाटोज जो हो गए उसने कितने दे दिए टमेटोज़ में किसको अबू बेकर को और श्रेजा को टमाटोज बेकर को कितने दिए थे फ़ोर प्लस श्रेजा को कितना दिया था एट फोर और एट ट्वेल्व एट और फोर ट्वेल्व ट्वेल्व टमाटोज उसने किसको दे दिए सृजा को और कितने रह गए रिमाइंडर जो रह गया है बाकी बचे हुए नैन्सी को दिए ना तो ट्वेंटी में से ट्वेल्व माइनस करोगे तो कितना होगा एट एट उसने किसको दे दिए नैंसी को एट टमाटोज किसको दे दिए नाइन्सी को ऐसे ही पटेटोज़ पटैटोज़ कितनी दिए अबूबेकर को सिक्स पटैटोज़ दिए थे प्लस और उसको कितने दिए थे नाइन नाइन और सिक्स फ़िफ्टीन फिफ्टीन अब उसके पास कितने रह गए रिमेन जो रह गए हैं उसके पास कितने थे टोटल एटीन एटीन में से फिफ्टीन उसने दे दिए हैं तो कितने बच गए उसके पास थ्री थ्री पटेटोज़ रह गए तो थ्री पटेटोज़ नैंसी को कितने मिले थ्री पटेटोज़ एंड एट टमाटोज हाउ मैनी पोटेटो टमाटोज डिड नैन्सी गॉट तो पोटेटोज नैन्सी के पास कितने थे थ्री टमेटोज कितने थे कितने थे एट क्लियर समझ में आया आपको थैंक यू